यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं और गोरखपुर मंदिर में जनता दरबार आज उनकी ओर से लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता से सीधा रूबरू होंगे और जनता की समस्याओं को आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुनेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं उनका मौके पर ही निपटारा भी किया जा सकता है। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं और गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार आज लगाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सीधा रूबरू होंगे आज जनता से और गोरखपुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया जाएगा और जनता दरबार में सीएम लोगों की समस्याएं आज सुनेंगे। सीधा जनता से रूबरू होंगे, कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा भी मौके पर किया जा सकता है और लोगों में भी काफी उत्साह है क्योंकि सीएम उनके क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं और उनकी समस्याओं को आज सीएम जानेंगे, तो लोगों में भी काफी उत्साह है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जनता दरबार जो लगाया जा रहा है वो गोरखनाथ मंदिर में लगेगा और गोरखपुर के दो दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सिकंदर यादव हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, दो दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी। जी, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी आज सुबह 10 बजे से जनता दरबार लगाएंगे जहां वो जो फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी क्षेत्रीय सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 12 बजे मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी सिकंदर, जो जनता है उनमें कितनी उम्मीद जताई जा रही है, उनकी तरफ से कितनी उम्मीद है कि आज सीएम उनके क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जी, ये बात बताने लायक है कि यहाँ सीएम जब भी गोरखपुर आए हैं उन्होंने जनता दरबार लगाया है। वहाँ वो काफी मतलब सैकड़ों की संख्या में फरियादियों की फरियाद सुनते हैं और अधिकारियों को उसको तत्काल निस्तारण का आदेश निर्देश भी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि हर बार जब जनता दरबार लगाया जाता है तो कई फरियादी ऐसे आते हैं कि जो उससे पूर्व में भी जनता दरबार में आके और सीएम से मिलके अपनी समस्याओं को सीएम के साथ सामने रखा भी है, जिसमें सीएम ने गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कड़े आदेश निर्देश भी दिए। उसके बावजूद जब सीएम चले जाते हैं, जनता दरबार खत्म हो जाता है, वही अधिकारी के पास जब वो फरियादी पहुंचता है अपनी फरियाद लेके तो उस पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्यादातर मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं, जो आज जनता दरबार में फरियादी आया है उन्होंने कहा, उनका ये भी आरोप है कि यहाँ के अधिकारी बेलगाम है और पैसे लेके काम कर रहे हैं, सीएम के आदेशों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर यादव तमाम जानकारी देने के लिए। तो दो दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जनता दरबार 10 बजे से लगाया जाएगा।